अक्षय कुमार ने विमल का विज्ञापन करने पर अपने फैन के नाम सोशल मीडिया पर माफीनामा जारी किया तो पब्लिक अजय देवगन और शाहरुख खान से भी डिमांड करने लगी कि वो भी इस तरह के विज्ञापन ना करें। इसे लेकर अजय देवगन का बयान सामने आया है। एक इंटरव्यू में अजय देवगन ने आलोचना को गलत बताते हुए कहा, ये एक व्यक्तिगत पसंद है। जब आप कुछ करते हैं तो आप ये भी देखते हैं कि वो कितना हानिकारक होगा। कुछ हानिकारक है, कुछ नहीं है। मैं ये किसी का नाम लिए बिना कह रहा हूँ क्योंकि मैं किसी को प्रमोट नहीं करना चाहता। मैं इलायची का ऐड करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ इतनी खराब है तो उसे बेचने की ही इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। अजय देवगन ने अपने बयान में कहा कि वो तंबाकू का नहीं इलायची का ऐड करते हैं। लेकिन सवाल पूछने वालों का तर्क है कि विमल पान मसाला भी उसी तरह का दिखाई देता है और अजय देवगन या शाहरुख खान विज्ञापन में सिर्फ विमल बोलो जुबा केसरी बोलते हैं, इलायची शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, हालांकि खाते हुए इलायची दिखाई देते हैं। ऐसे में तर्क ये है कि अजय देवगन, शाहरुख खान या अक्षय कुमार का विज्ञापन पूरे विमल ब्रांड को फायदा पहुंचाता है। अक्षय कुमार ने तो विज्ञापन ना करने पर माफी मांग ली और आगे ऐसे विज्ञापन ना करने का वादा भी किया, लेकिन अजय देवगन का बयान दिखाता है कि उन्हें ऐसे विज्ञापन करने में कुछ गलत नहीं लगता और वो कहते हैं कि खरीदने वाले खुद समझदार हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं और अजय देवगन के बयान से कितना सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।